बता दूं संक्षेप में कि कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक टास्क फोर्स बनाया है कोविड 19 के समय। पार्टी एक रिलीफ देगी लोगों को, एक है, दूसरा बीमारी के बीमार लोगों को कैसे मदद पहुंचाएगी, है ना, कैसे पहुंचाएगी, इसी पर हम लोगों से रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट 3 घंटा पहले, 4 बजे के पहले 3 बजे लगभग भेज दिए हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसी पर डिस्कशन हुआ कि हम स्टेट में क्या किए। तो जो स्टेट में किए हैं, आप लोग से बराबर बोलते रहे हैं कि स्टेट ने कोविड के समय में, स्टेट गवर्नमेंट ने, खास करके हमारे बन्ना गुप्ता जी उसमें लगे रहे कि जितने हॉस्पिटल थे शहरों में, जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, जितने थे उस सब में बेड बढ़ाने का काम किया, ऑक्सीजन बढ़ाने का काम किया और वेंटिलेटर की व्यवस्था किया। हो सकता है उसमें कमी हो, अफरा तफरी हो, एक ही दफ़े सब जुट गए, ज़्यादा संख्या हो गई, उतना तैयारी हमारी नहीं थी। तैयारी नहीं थी तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की कि जो उनको आगाह करना चाहिए था हमको कि इस तरह का वेव आने वाला है, सेकेंड वेव में इस तरह का होगा, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा लोग फैटलिटीज में ज़्यादा होगा, वो नहीं किया। और एकाएक हम लोगों को पास आ गया, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से, आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन यहाँ से भेजा गया दूसरे राज्यों में। हमारे यहाँ तो कमी हुई शुरू में, थोड़ा सा हुआ एक आध दिन, लेकिन बाद में हमारा सिचुएशन सुधर गया, पेट बढ़ गया, सब कुछ हो गया। एक चीज़ हम लोग जो देखे वो है कि लोगों की शिकायत रही कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह से ताकि लोग डिस्ट्रिक्ट से शहर में नहीं आने पाए। तो ये व्यवस्था हम शुरू कर दें। बन्ना गुप्ता जी कभी मिलिएगा तो समय नहीं है तो बताएंगे कि कैसे हम कर रहे हैं, जिला अस्पताल में, सब डिविजनल अस्पताल में, फिर प्रखंड में जो अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ कैसे व्यवस्था करते हैं। एक उदाहरण देंगे, जैसे प्रखंड में जहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ हर सरकार ने तय किया है कि 2 एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, जहाँ कोई बीमार हुआ तो उसको ज़रूरत के अनुसार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर ज़रूरत ज़्यादा ही रही तो फिर रांची में या जहाँ 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 के लोग हैं वहाँ के बड़े हॉस्पिटलों में ले जाएगी। ये व्यवस्था पहली दफ़े झारखंड में होने जा रहा है, ये अच्छी व्यवस्था है। दूसरा व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जितने भी हमारे MLA हैं, MP हैं, उसको अपना फंड दे करके हम लोग एम्बुलेंस खरीदे हैं। हमने भी खरीदा, बन्ना जी ने खरीदा, आलमगीर बदल जी ने खरीदा, सभी MLA खरीदे, 18 MLA हमें सबों ने 2-2 खरीदने के लिए दे दिया। अभी डिलीवरी नहीं हो पाई है, अभी तो दुकान बंद है, नहीं हुई है, ये 15-20 दिन जो लगेगा। हमारे तरफ से, कांग्रेस पार्टी के MLA MPs के तरफ से 2-2 या कुछ लोगों ने ज़्यादा भी दिया है, ये एम्बुलेंस लोगों की सेवा में बराबर रहेगी, ये व्यवस्था की हम लोग। फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग कंट्रोल रूम चलाए, यहाँ डॉक्टर की टीम रखे, परवेज नैयर साहब थे, आलोक जी थे, हमारे तुलसियान जी कहाँ चले गए क्या, प्रदीप तुलसियान जी वो हेड, यहाँ हेड रहे यहाँ पर, और किस तरह से चलाए हम लोग, ना केवल उनको बेड दिलाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था जगह जगह हॉस्पिटल में भेज करके कराए, बल्कि यहाँ से सलाह भी डॉक्टर लोग दिए कि आप ऐसा कीजिए। हमको बोला कि सर्दी खांसी तो टेस्ट करा लीजिए, नहीं व्यवस्था नहीं, हम जहाँ सर नहीं जाते तो ठीक है, फला फला चीज़ लिख दीजिए, इसको खाइए आप, है ना, जिंक टैबलेट खाइए, विटामिन सी खाइए, और जो जो होता है 4-5 दवाएँ उसको खिलाए, तो अच्छा भी उससे हो गया, है ना। इस तरह से हमारी पार्टी, हम कहेंगे, हमने बोला भी अपने नेतृत्व को कि पहली दफ़े मैं देख रहा हूँ कि संकट के घड़ी में पार्टी, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है, जो हम सरकार में भी हैं लेकिन पार्टी का वजूद अलग रखे हैं, पार्टी को अलग ढंग से चला रहे हैं, हम लोगों के बीच भेज रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हम सब जगह अनाज बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, सैनिटाइजर को हम लोग छोड़ दिए, बल्कि गांव देहात में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, समझता नहीं है, तो हम उसको लिए साबुन बांट रहे हैं, जगह जगह सब साबुन बांट रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में एक सेवा भाव से, ना केवल पॉलिटिकल पार्टी बल्कि सोशल सर्विस का एक सेंटर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं,
और उसके अनुसार कर रहे हैं। तो मुख्य चीज़ यही थी, व्यवस्था कैसे जो हम लोग किए हैं उसी के हिसाब हम लोग दे रहे थे कि हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। आज आगे टास्क 2-3 दिन के बाद मिलेगा, वो सब जगह का हिसाब ले रहे हैं पूरे देश का, और फिर अपना निचोड़ निकाल करके गाइडलाइन जारी करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ें। क्या कि ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो गया है, ठीक है, पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, 3% बचा हुआ, 97 ना खत्म हो गया, अब आ गया रिकवरी रेट हो गया। हाँ, तो ये जो हो गया ये हो गया, इससे हमको खुश नहीं होना है, हमको तैयार रहना है। क्या है कि ये सेकेंड वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, इसीलिए अफरा तफरी मची। हमको इसके लिए दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी जिम्मेवारी थी हमको व्यवस्था करती, हमको ये हमारे हमको आगाह करती, हम तैयार रहते, ये है। दूसरा ये हुआ कि सेंटर से हमको मांग करना है कि कोई भी सरकार, जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ है वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि टीका खरीदे और पूरे नागरिक को दे, फ्री का दे। इसके पहले सब सरकार की है, नहीं कहते कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में जितने भी टीके पड़े कांग्रेस के रिजिम में वो राज्यों को नहीं खरीदना पड़ा, सीधे सीधे केंद्र सरकार खरीदे और राज्यों को टीका लगाने का आदेश दिया। ये केंद्र सरकार जो है ये अभी जो है ये फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ जा रही है, ये राज्यों को कह रही है कि आप खरीदिए, हम कहाँ से खरीदेंगे, खरीदना पड़ेगा तो खरीदेंगे, खरीद रहे हैं, हम फ्री कर दिए हैं। इसके लिए 250 करोड़ रुपये का हम प्रावधान कर दिया है झारखंड सरकार ने, खरीद करके फ्री देने का अलग बात है, लेकिन हम कहेंगे कि बीजेपी केंद्र सरकार अपने जिम्मेवारी से भाग रही इसको है। और उल्टा बोले कि आपके यहाँ तक इतना नुकसान हो गया, क्यों क्या कहाँ नुकसान किसने देखा, वो कह रहा है कि 37.5% आपका डैमेज हो गया, हमारे मंत्री हैं कि हिसाब लिए तो 4.6% डैमेज हुआ है, जबकि माना गया है स्टैंडर्ड है देश इंटरनेशनल में कि 10% डैमेज होगा, कहीं भी कुछ होता है तो 10% टीका डैमेज होगा, ये स्टैंडर्ड माना गया है। हाँ, हमारे यहाँ 6.30 देश में 6.3% डैमेज हुआ, हमारे यहाँ उससे भी कम हुआ है। तो ये कुप्रचार जो कर रही है बीजेपी हम इसके खिलाफ है, हम इसके निंदा करते हैं। जो जहाँ तो नहीं कहेंगे कि एक संगठन बनाकर ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में 8 से 10 आंगनवाड़ी सेंटर है, किसी भी पंचायत में चले जाइए, सभी आंगनवाड़ी सेंटर को एक्टिवेट किया गया। अभी हाल के दिनों में आपका सहायिका, सेविका, JSLPS के सखी मंडल, मुखिया, ANM ऐसे जुड़कर 7 का समूह बनाया गया और हर एक आंगनबाड़ी सेंटर में एक आपका ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर मशीन जो होता है, किट, दवा का किट, वो भी देने का हम लोग व्यवस्था की। और इसका काम होगा, जब एक पंचायत में 8 या 10 आंगनबाड़ी सेंटर है तो हमको नहीं लगता है कि 200-300 से ज़्यादा परिवार एक आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर, तो घर घर जाकर उसका जांच करा रहा। और उसी में कहता है कि टीकाकरण करने से आने वाले समय में आपको ये महामारी से दूर में रखा जाता है। तो ये जो है झारखंड की सरकार, हेमंत की सरकार, हम लोगों ने मिलकर इस ड्राइव को हम लोग चला रहे हैं। और देखिए ये ड्राइव चलाने के बाद जो हम लोग को लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा केसेस आएगा, पॉजिटिव केसेस आएगा, वो इन दिनों में देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कम आ रहा है। हम पाकुड़ का बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिन ड्राइव चलाकर 8,000 आपका टेस्ट किया गया था, सिर्फ 3 पॉजिटिव केसेस मिला। वो हमारी सरकार शहर की ओर नहीं ग्राम की ओर भी गया है और ग्राम में बढ़िया काम कर रहा है। एक टीम जो आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से, जैसे भी सबको मिला जुला कर ज्वाइन कर रहे हैं, वो घर घर जाकर सबका जो है लेखा जोखा भी ले रहा है कि बीमार है कि नहीं है, बाहर से आया कि नहीं आया, और वैक्सीनेशन देने के हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि झारखंड में आने वाले समय में अगर भारत सरकार
सही समय पर अगर वैक्सीन देता है तो तमाम लोगों को हम लोग वैक्सीन देता है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।